कंबाइन होकर बैठना पड़ता है। और दो ही बाथरूम होते हैं और यहाँ पर 120-150 लड़के हैं और दोनों बाथरूम अभी बंद हैं। हमें बाथरूम के लिए भी घर जाना पड़ता है और यहाँ पर मिड डे मील्स भी नहीं मिल रहे। मेरे थे एक मिड डे मील्स मिल रही 10 दिन से पहले ही बंद हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे चावल ही नहीं है अभी। अब हम और मैं हॉस्टल से आता हूँ और मैं जब गांव में करना में पढ़ता हूँ था तब मेरे माँ बाप ने बोला यहाँ पर उतनी फैसिलिटी नहीं है तो हम तुम्हें हॉस्टल में जाके पढ़ाएंगे। मैंने भी सोचा यहाँ पर फैसिलिटीज होगी, यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। ये भी वैसे ही जहाँ पर करना था जैसे वहाँ पर था। जगह है आपको बैठने के लिए? ये है सर लेकिन बहुत छोटी है और हमें और स्कूल सबसे बड़ी 8th क्लास है, सबसे बड़ी क्लास है और हमारे लिए जगह ही नहीं है। कश्मीर के गवर्नमेंट स्कूल में कहीं ना कहीं बदनज़मी नज़र आ ही रही है। ज़िला कुपवारा के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दुदवन में 150 तालिबे इल्म ज़ेर तालीम हैं मगर यहाँ जगह की तंगी की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए ये स्कूल इस एरिया का सबसे पुराना स्कूल है। ये 1966 में ये इस्टेब्लिश हुआ था तो उस टाइम इसकी एक बिल्डिंग थी लेकिन तब से लेकर आज तक आपने खुद देखा होगा कि इसकी क्या हालत है। बच्चों को थोड़ी एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, बच्चों को प्लेग्राउंड ये अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जो साइड में आप देखते हैं कि पूरा एक साइड में पूरा दीवार खुला है, जो भी काम करता है तो अधूरा छोड़ के भाग जाते हैं। पहले बच्चे यहाँ पे खेलते थे लेकिन बाद में यहाँ पे 3 रूम ये बिल्डिंग आ गई तो उसके बाद इसको छत रहने के बगैर ही छोड़ दिया गया। तो बार बार हमने इनको रिमाइंडर भी दिया, वो जो इनके जो कंट्रैक्टर्स भी थे उनको भी हमने कहा तो उनका जवाब यही था कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें इसमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार ने जो रेट दी है वो कम है और हम उनसे ज़्यादा ये इनसे ज़्यादा हमें इस पर एक्सपेंडिचर हो रहा है। बच्चों को प्रॉपर वक्त पे हमें पैसा नहीं मिलता है MDM के लिए। हाँ, जो मुझे लगता है कि वो स्टेट वाइड ही है, सब पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा होगा। ये स्कूल देखिए, ये आज कंप्यूटर का दौर है लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर है ही नहीं है। जहाँ भी जाते हैं कंप्यूटर, अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन में, हर जगह जाते हैं कंप्यूटर नजर आता है। वो कौन सा स्कूल है जिसमें कंप्यूटर नहीं है? लेकिन ये एक वाइड स्कूल है जिसमें कंप्यूटर नहीं है। सर क्यों हमारे स्कूल में कंप्यूटर क्यों नहीं है? खराब शुदा ढांचे पर असर नौ तजदीद व तामीर करने के लिए मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि इस स्कूल की ये हालत सुधारने के लिए अपना रोल अदा करे और दिए गए नंबर पे कॉल करे और मुतल्लिका अफसर से गुजारिश करे कि इस इमारत पर जल्द अज जल्द असर नव काम शुरू किया जाए। मैं हूँ पीर अजहर, कुपवारा से, कश्मीर अनहर्ड के लिए।